हेलो दोस्तों, हम आज एक ऐसे टोकन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में एंटर हुआ था $1 के विजन के साथ। हाँ जी, लवली इनो फाइनेंस, जिसने अपने होल्डर्स को काफी परेशान किया हुआ है पिछले 3-4 महीनों से, तो बहुत ज्यादा। टेलीग्राम पे इसके जो एडमिन से रूडली बिहेव करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं करते, कोई अपडेट नहीं देते हैं, पूरा मिस्टीरियस बनाया हुआ है। इस वजह से होल्डर्स काफी परेशान है, लेकिन इस वीडियो में आप काफी मोटिवेटेड फील करोगे और आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सीधा चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो इसका रोड मैप है, मैंने ओपन किया हुआ है लवली इनो फाइनेंस का, जो कि फेज 5 में कंप्लीट होने वाला था। हम जैसा कि जानते हैं कि 4 या 5 महीने पहले ही इसका जो फेज 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फेज 4 जो मैंने ओपन किया हुआ है अभी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस वजह से होल्डर्स काफी परेशान है, कंटिन्यूसली अपडेट्स की डिमांड कर रहे हैं, कोई न्यूज, कोई लिस्टिंग्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जो लवली इनो के डेवलपर हैं, जो इनकी टीम है, वो अंदर ही अंदर सारा काम कर रही है, वो भी अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग। जैसा कि ये ऑडिट सर्विस काफी पहले आ चुका है, इन्होंने पार्टनरशिप भी किया है, 3 पार्टनरशिप ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। गिव अवे इवेंट रिसेंटली हुआ है, जिसकी वजह से 40,000 होल्डर्स बढ़ गए अचानक से। हालांकि उसको भी लोग काफी अलग नजरिए से देख रहे हैं, काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका सब ये माइंड गेम है या जो भी है, लेकिन कुछ भी हो, बाय हुक और क्रूक ये अपना जो रोड मैप है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, प्रेस रिलीज इनका काफी लंबे समय से चल रहा है, इन्होंने अपना एक अलग ऑफिशियल चैनल भी बनाया है अनाउंसमेंट के लिए, जहाँ पे अपनी प्रेस रिलीज के बारे में बताते रहते हैं। मार्केटिंग में भी इंक्रीजमेंट किया है, क्योंकि ट्विटर पे ये एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं। अब बची जो है वो दो चीज़ें हैं, डोनेशन और इंक्रीज इन मार्केटिंग। लेकिन जैसा ही आप देखोगे फेज 5 को देखोगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने शुरू कर दिया है दोस्तों। जैसा कि आप ये जो चौथे नंबर पे जो टेलीग्राम मेंबर्स के बारे में थे, रिसेंटली कल ही इन्होंने ट्वीट किया था कि ये अपने 2 लाख टेलीग्राम मेंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फेज 5 में इनका विजन होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा कर चुके हैं। 1,80,000 टेलीग्राम मेंबर करने का इनका विजन था दोस्तों, जो कि फेज 5 में था। और उसके बाद में जो 80,000 होल्डर्स, जो सबसे बड़ी बात थी, जो कि सबसे बड़ा टारगेट लगता था हम होल्डर्स को, एज ए होल्डर्स हमको, कि ये 80,000 होल्डर्स कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे गिव अवे इवेंट करके, कैसे भी करके, 80,000 प्लस होल्डर ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है, और जो ये लवली कसिनो है, लाइव कसिनो जो गेम था, हालांकि लाइव कसिनो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फेज 4 में कहीं भी गेम की बात नहीं हो रही है, ओनली फेज 5 में गेम की बात हो रही है। और लवली का गेम भी आया था दोस्तों, हम जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फेज 5 में भी काम कर रहे हैं। और अब जो चीज़ें बची हुई हैं, यानी कि मार्केट कैप, देखो मार्केट कैप तो तभी बढ़ेगा जब इसकी लिस्टिंग्स होंगी, इसमें इन्वेस्टर्स और आएंगे, तब इसका मार्केट कैप बढ़ सकता है, एक ही रास्ता है। तो इस ये जो मार्केट कैप है 100 मिलियन प्लस करने का, वो इतना बड़ी बात नहीं है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि लिस्टिंग ऑन 5 to 6 एक्सचेंजेस और लिस्टिंग ऑन बाइनेंस, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है। ये तो चलो इसके रोडमैप की बात होगी, लेकिन जो सबसे मिस्टीरियस बात थी, जो सबसे अजीब सी लगी सबको, सब होल्डर्स इसको देख के हैरान हो गए थे, जो कि थी हाइडेस फाइनेंस, जो कि इसी का खुद का टोकन है। देखिए, अगर आप इसके ट्विटर पे आएंगे तो 41,000 इसके फॉलोवर हैं, और इसका जो लास्ट ट्वीट था वो 7 नवंबर को, तो आप देख सकते हैं, यानी कि ये पिछले कुछ महीनों से ट्विटर पे बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भी अपडेट नहीं, कोई लिस्टिंग कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। हम मतलब जिन्होंने भी हाइडेस टोकन में अपना ऐसा इन्वेस्ट किया होगा, वो तो यही सोच रहे थे कि भाई बर्बाद हो गया, क्योंकि लवली से ही विश्वास उठ गया था, तो हाइडेस से क्यों नहीं उठेगा, उसी का तो कोई नहीं है। लेकिन अचानक से ही लवली इनो फाइनेंस की तरफ से एक अपडेट आती है, वो भी हाइडेस के रिगार्डिंग, कि इसका 50% सप्लाई बर्न हो रहा है, और बैक टू बैक आगे भी बर्न होगा, 10 ट्रिलियन करके जो आखिरी इसका सप्लाई होने वाला है वो 10 ट्रिलियन होने वाला है। और उसके बाद में ये हाइडेस V2 वर्जन भी लाने वाले हैं, जो कि लॉन्चिंग प्राइस $5 के साथ आने वाला है मार्केट में। देखिए गाइस, इतनी बड़ी अपडेट, और इसका किसी को भी उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा कुछ भी, वो भी हाइडियस के साथ। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसा कि हम देख सकते हैं लवली इनो फाइनेंस है ना, तो जो इसका ट्विटर है, ये ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव होने लग गई है अब। जैसा कि पहले हमें कई महीनों में या एक महीने में एक बार गलती से एक ट्वीट दिखता था, लेकिन अभी ये ट्वीट बैक टू बैक कर रहे हैं। जैसा कि 23 घंटे पहले ये ट्वीट किया है इन्होंने कि 2 लाख मेंबर जो टेलीग्राम मेंबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में ये ट्रिलियन, ये जो एक एक ट्रिलियन करके ये बर्निंग कर रहे हैं 25 फरवरी तक। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जान लो कि जो ये एक एक ट्रिलियन जो इन्होंने ये बर्निंग का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है लवली की प्राइस पर। इन्होंने सिर्फ ये फरवरी का मंथ निकालने के लिए ये चीज़ें की हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि 5 फरवरी, जैसे कि 5-5 दिन में एक एक ट्रिलियन बर्न करेंगे, उससे क्या होने वाला है, 5 ट्रिलियन कम हो जाएगा, 50 ट्रिलियन फिर भी बचा हुआ है। ये जस्ट 25 फरवरी तक जो समय निकालने का था कि जो अपने होल्डर्स हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन ना करें ऐसा वगैरह, इसलिए जस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ बड़ा अचानक से ये कर देंगे दोस्तों, और हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि दुबई एक्सपो पे जाने वाला है, सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ पे हो सकता है कुछ अपडेट भी दे दें ये। ठीक है, और जैसा कि ये ट्विटर पे अब एक्टिव भी हो रहा है ना,
दूसरी और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि जैसा कि आपको किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हाईडेस के रिगार्डिंग ऐसा कोई अपडेट आ सकता है, तो दोस्तों ये सोचिए कि जैसा ये टेलीग्राम में दिखा रहे हैं कि लवली का जो प्राइस है वो हाईडीएस के, मतलब जब हाईडीएस V2 वर्जन लॉन्च होगा तो लवली, एक लवली का प्राइस इतना होगा कि जैसे कि 5 लवली से एक हाईडीएस खरीद पाओगे, ऐसा टाइप का। यानी कि 1 5 लवली इज इक्वल टू 1 हाईडीएस। तो इसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि अगर इसकी लॉन्चिंग प्राइस $5 रहती है तो लवली का भी उस हिसाब से प्राइस $1 होना चाहिए एट द एंड ऑफ द मार्च, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख तो कुछ भी नहीं रहा है कि ऐसा क्या कर रहे हैं आखिर, लवली ऐसा कर ही क्या रहा है कि इसका $1 हो जाएगा। और मैंने जैसे एडमिन से क्वेश्चन किए थे कई बार टेलीग्राम पे ये चीज़ कंफर्म करने के लिए, क्या इसका भी कुछ रीबेसिंग या कोई अलग वर्जन आने वाला है लवली का, तो उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला है मुझे तो कि ऐसा कोई वर्जन नहीं आने वाला है लवली का, सिर्फ हाईडीएस के लिए है और इसमें भी मतलब मार्च में अपडेट आने वाली है। तो ये तो सोच के बैठ जाइए आप कि 25 फरवरी तक तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद में मार्च का जो आखिरी महीना है हो सकता है उसमें ये बड़ी बर्निंग कर दे। देखो दोस्तों काफ़ी लंबे समय से ये बायबैक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस जैसा कि इसमें जो सेलिंग देखने को मिला है, जैसा मैंने खुद ने कई ट्रांजेक्शन देखे थे मैं हैरान हो गया था, इतनी बड़ी बड़ी इसमें सेलिंग हुई थी लेकिन इसका जो प्राइस है ना वो एक फिक्स पॉइंट के आसपास ही घूम रहा है, यानी कि डाउन पे है लेकिन उसी के आसपास घूम रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली बाई बैक कर रहे हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स में बाई बैक कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि डेवलपर के पास इतना ज़्यादा है या नहीं है। ये दिखा तो ऐसा रहे हैं कि डेवलपर के पास काफ़ी कम कॉइन्स हैं, कैसे बाई कैसे मतलब बर्न करेंगे ये इतना ज़्यादा अमाउंट, है ना। लेकिन बाई बैक इन्होंने किया है दोस्तों, और काफ़ी अलग अलग जो है वो वॉलेट से किया है, मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि अचानक ये कितना बड़ा कुछ भी कर सकता है। मुझे अब इस पे वापस से ट्रस्ट होने लगा है दोस्तों, इसीलिए मैंने जो लवली इनू होल्डर्स हैं उनके लिए वीडियो बनाया ताकि वो मोटिवेट फील करें और प्लीज़ इसको सेल ना करें क्योंकि ये आपको रिटर्न तो देगा। देखो $1 का मैं खुद भी नहीं मानता, मुझे भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, लेकिन मुझे अनएक्सपेक्टेड तो ये भी लग रहा था कि हाईडीएस का ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं आएगा, ये कोई पंप नहीं देगा। इसने हाल ही में पंप दिया था, मेरा इसमें $10 इन्वेस्ट किया था वो इतना डाउन हो गया था कि वो $3 के आसपास आ गया था, लेकिन वापस से मैंने उसको $52 में सेल किया है, मतलब इतना ज़्यादा पंप हुआ था ये बीच में, ठीक है, और वापस से भी अपने डाउन प्राइस पे आ चुका है। लेकिन इसका बर्निंग फिर से है 10 10 दिन में, मतलब 10 10 ट्रिलियन 2 बार अभी बर्निंग होने वाला है इसका, ठीक है। तो इसका जो हाईडीएस वर्जन 2 आएगा देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे कुछ पॉजिटिविटी लग रही है लवली इनू में कि ये देखो सिंपल सी बात तो ये है कि कोई भी मीम टोकन होता है अगर वो अपनी हाइप क्रिएट करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा वो फोकस करता है मार्केटिंग पे, लेकिन लवली इन्होंने मार्केटिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। इवन ये तो अपने होल्डर्स को भी इस तरह से बोलते हैं कि की पेशेंस, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये खुद इंटेंशनली चाहते हैं कहीं ना कहीं कि पैनिक इन्वायरमेंट बना रहे ताकि लोग सेल करें। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लो प्राइस पे बायबैक करना चाहते हैं, और ज़्यादा बायबैक करना चाहते हैं ताकि ये बड़ी अमाउंट को बर्न कर सकें, ठीक है। उसके बाद में जो लिस्टिंग है, इसकी लिस्टिंग जो स्टार्टिंग में इनिशियल लिस्टिंग हुई थी उसके बाद में इन्होंने सिर्फ 2 ही एक्सचेंज पर लिस्ट किया था, जो कि एल बैंक था उनमें से एक, और एक MXC ग्लोबल था, मैक्स ग्लोबल जिसको बोलते हैं ना, तो वो इतने बड़े एक्सचेंज नहीं है, और उनको भी लिस्ट इस तरह से किया था कि कोई हाइप नहीं क्रिएट किया था कि जैसे पहले ट्वीट कर देना, 2 3 दिन से पहले ट्वीट कर देना। तो आप सारी फिल्म समझ जाइए, हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मुझे यह तो बोलना ही पड़ेगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मीम कॉइन है आप अपने हिसाब से डालिए, मैं तो अपना 5% पोर्टफोलियो मीम कॉइन्स में रखता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक तो कर देना भाई साहब, इतना लंबा वीडियो हो गया, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।